Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी के MIM द्वारा लगाए सरकलम के पोस्टर से बवाल मचा हुआ है। देश भर में डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी जा रही थी, मगर MIM के एक पोस्टर से अब बवाल मचा हुआ है। यूपी के कानपुर में नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी का सर तन से जुदा वाला पोस्टर गली मोहल्ले चौराहे पर लगा दिया गया है। तस्वीरों में नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी के गर्दन पर एक हथियार लगा दिख रहा है। इन पोस्टरों पर काफी बवाल, काफी हंगामा हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है। कानपुर के हलीम कॉलेज चौराहे पर MIM के कार्यकर्ताओं ने बीते रविवार को विरोध प्रदर्शन किया था और वसीम रिजवी और नरसिंहानंद सरस्वती का पोस्टर चिपका दिया था, जिसमें वसीम रिजवी और नरसिंहानंद सरस्वती का सर कलम और फांसी जैसे कई पोस्टर शहर में लगाए गए थे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कलाम पाक की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें वसीम रिजवी को मुँह की खानी पड़ी। वहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलने का काम किया करता है, इसलिए मुस्लिम समाज में दोनों के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि थाना चमनगंज क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसके कारण एक धर्म की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची गई थी। इसी क्रम में थाना चमनगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 45/21 और इसमें जो धारा है IPC की 153A और 295A है, अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है और लोगों को चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मिश्रित आबादी का इलाका है, टेंस माहौल है, वहाँ पर क्या पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ, किस तरीके से पर्याप्त पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट भी हो रखा है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। उसमें जो होर्डिंग है उसमें साफ तौर पर MIM का नाम लिखा हुआ है कानपुर का, क्या उस विषय में कुछ जांच करें? पुलिस का देख रही है राजनीति की वजह से लगाई गई होर्डिंग से मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाए।